तो इसी जगह पर पिछले साल जो है चार धाम जो है बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और इस बार देखिए बाल हनुमान लीला के बारे में जो है इसके अंदर में बतलाया हुआ है, और सामने में भगवान हनुमान जी है और सामने में राम भगवान जी है। भी बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पे झांकी बनाया, ऐसा करके बोल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा लाइन लगे हुए हैं। अभी हम लोग को अंदर जाना है और आप लोगों को जो है दिखलाना है, और यहाँ पे हर साल होता है तो इस बार भी हम लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को जो है दिखलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गणेश चतुर्थी नवरात्रि दशहरा, यहाँ पे लिखा हुआ उन्हीं के जैसे सामने में यहाँ पे देख सकते हैं लाइन पूरा लगा हुआ है। और इस जगह को जो है गुढ़ियारी पड़ाव बोला जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाल हनुमान लीला। और इस तरफ देखिए झूला वाला सेक्शन भी है, तो अपन झूला वाले एरिया में अपन चलेंगे। सबसे पहले इसके अंदर अपन चलते हैं, क्या क्या झांकी जो है तैयार किया हुआ है बाल हनुमान लीला के बारे में यहाँ पे पूरा बतलाया हुआ है। तो अंदर चलेंगे और आप लोगों को जो है पूरा जानकारी देंगे। लाइन देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इस तरफ जो है गर्ल्स के लिए है और उस तरफ जो है बॉयज़ के लिए है। तो इसी जगह पर पिछले साल जो है चार धाम जो है बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। और इस बार देखिए बाल हनुमान लीला के बारे में जो है इसके अंदर में बतलाया हुआ है, और सामने में भगवान हनुमान जी है और सामने में राम भगवान जी है। तो देखिए अभी हम लोग जो है साइड में भी खड़े हुए हैं, अगर बातचीत में बन जाता है तो अंदर चलेंगे, नहीं तो फिर लाइन लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो गाइस अभी हम लोगों को जो है इस वाले रास्ते से जाने नहीं दिया है, तो आगे चलते हैं। अगर उस तरफ बात करेंगे, लाइन लगा रहे हो मतलब तुम लाइन लगा रहे हो, है ना, अच्छी बात है। वहाँ पर आ गया तो बताना। यहाँ से भी है रास्ता, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इस तरफ देखिए मस्त सुंदर सा सजाया गया है सामने में पेड़ों को लाइटिंग के द्वारा, और आसपास में जो है दुकानें जो है लगे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है महिला और वीआईपी द्वार और पुरुष द्वार। ये देखिए तो ये है वीआईपी प्रवेश द्वार, तो इसके अंदर अपन चलने वाले हैं। तो अभी हम लोग वीआईपी प्रवेश द्वार में एंटर कर चुके हैं, और जिस रास्ते को आप लोग को मैं दिखा रहा था जहाँ से लोग आ रहे हैं उस रास्ते से यहाँ पे लोग हैं जो आना जाना कर रहे हैं। यहाँ से अपन चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं किस तरह से इस बार जो है झांकी के माध्यम से जो है दिखलाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है अंजनी पुत्र केसरी नंदन बाल हनुमान का जन्म उत्सव मनाते हुए। तो ये देखिए भाई हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है दिखलाता हूँ मैं किस तरह से यहाँ पे जो है बाल हनुमान का जन्मोत्सव मना रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है बाल हनुमान का जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पीछे में हिरण भी है और मस्त सुंदर सा देख सकते हैं पीछे को सजाया गया है, और यहाँ पे है भगवान शंकर जी है और इस तरफ जो है हनुमान जी है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बाल हनुमान द्वारा ऋषि मुनि की तपस्या भंग करते हुए, जो है भगवान हनुमान जी जो है ऋषि का जो है तपस्या जो कर रहे हैं ना उसको यहाँ पे भंग कर रहे हैं, उसको यहाँ पे दिखलाया हुआ है झांकी के माध्यम से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऋषि मुनि जो है भगवान जो शिवलिंग है उसमें पानी डाल रहा है। देख सकते हैं हमारे हनुमान भगवान जी जो है ऋषि का जो है दाढ़ी को जो है खींच रहे हैं। यहाँ पे जो है ऋषि मुनि भी बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। हमारे बाल हनुमान के बारे में यहाँ पे जो बचपन में हरकत करते थे ना उसी को यहाँ पे जो है झांकी के माध्यम से जो है दिखलाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिखलाया हुआ है भूख ना मिटने पर सूर्य को निगलते हुए। यहाँ पे भगवान जो है हनुमान जी जो है सूर्य को निगल रहा है, उसी को यहाँ पे जो है दिखलाया हुआ है। देख सकते हैं बहुत सुंदर दिखलाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे भी देख सकते हैं अंजनी द्वारा बाल हनुमान को फल खिलाते हुए, यहाँ पे देखो बाल हनुमान को खिला रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ के मैं आप लोगों को जो है बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बाल हनुमान के उपद्रव से त्रस्त देवगण एवं ऋषिगण इंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए, ये देखो प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सुंदर जो है झांकी के माध्यम से जो है बताया हुआ है यहाँ पे। देखो
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्र द्वारा बाल हनुमान पर प्रहार, एक नंबर बनाया हुआ है, देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्र के प्रहार से मूर्छित होकर हनुमान गिरते हुए बाल हनुमान, ये देखिए यहाँ पे इंद्र के प्रहार, यहाँ पे इंद्र के प्रहार से जो है हनुमान भगवान गिर गए, उसी को यहाँ पे बहुत सुंदर। यहाँ पे जो है ऋषि व देवगण द्वारा हनुमान जी को अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे जो है देवगण द्वारा ने ऋषि के द्वारा यहाँ पे भगवान हनुमान जी को जो है अस्त्र जो है प्रदान कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है मस्त झांकी के माध्यम से, पूरे बाल हनुमान के बारे में जो यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। अधिकतर आप लोगों ने जो है सीरियल वगैरह में देखते ही होंगे और पुस्तक वगैरह में पढ़ते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे झांकी के माध्यम से हमारे गुलियारी रायपुर में जो है दिखाया हुआ है बहुत सुंदर, आप लोग देख सकते हैं बीच में हनुमान भगवान जी, अगल बगल में देख सकते हैं ऋषि मुनि जो है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है हनुमान जी द्वारा भजन कीर्तन करते हुए, ये देख सकते हैं मस्त सुंदर सा, यहाँ पे हमारे बीच में भगवान जी है और यहाँ पे वानर है बहुत सारे, ये देखिए भजन कीर्तन करते हुए इस चीज़ को दिखाया हुआ है, तो आप लोग भी देख सकते हैं बहुत सुंदर, ये भगवान श्री रामचंद्र जी है ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा देख सकते हैं राम 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 करके लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं बहुत सुंदर राम दरबार, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीच में जो है भगवान रामचंद्र जी है और उसके साइड में जो है माता सीता जी है, और अगल बगल में आप लोग देखेंगे जो है लक्ष्मण भगवान जी है, और बहुत सारे जो है यहाँ के जो है राम भगवान जी के जो है दल जो ग्रुप है यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे मित्र हनुमान की बाल लीला देखकर शुक्रवती प्रसन्न हुए, ये देखिए यहाँ पे मस्त सुंदर से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है मेरे मित्र हनुमान की बाल लीला देखकर शुक्रवती प्रसन्न हुए हैं, ये देखो, और यहाँ पे है झूला है, आगे चलेंगे और आप लोगों को जो है दिखलाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर यहाँ पे बना हुआ है जय श्री राम, और हनुमान भगवान जी को यहाँ पे दिखलाया हुआ है, और बीच में जो है हनुमान भगवान जी के यहाँ पे देख सकते हैं दिल पर जो है भगवान रामचंद्र जी है और माता सीता जी है जो अपने सीने को जो है फाड़ रहा है उसी को यहाँ पे दिखलाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हुआ है गुढ़ियाड़ी गणेशोत्सव समिति गुढ़ियाड़ी पड़ाव रायपुर, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गणपति पप्पा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए इधर चलते हैं और आप लोगों को जो है दिखलाते हैं, इधर है भगवान शिव जी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो है नंदी बैल के बगल में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर जो है, और यहाँ पे जो है कैलाश पर्वत जो है इसको बनाया हुआ है, हमारे जो शिव भगवान जी है जो यहाँ पे नाच रहे हैं यहाँ पे उसी को यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैं आया हूँ और बहुत ही खूबसूरत जो है बाल हनुमान के बारे में यहाँ पे झांकी के माध्यम से दिखाया हुआ है, अभी हम लोग जो है झूला सेशन की तरफ अपन चलते हैं और आप लोगों को जो दिखाते हैं पीछे जो है हवाई झूला जो है नजर आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झांकी के बाहर निकलते ही आप लोग को जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख सकते हैं पूरा लड़कियों के पूरे यहाँ पे सब नाक कान गले के पूरे सामान यहाँ पे मिल जाएंगे, गले के जो सेट है यहाँ पे भी मिल जाएंगे, और आगे में आप लोग को जैसे कि आप मेन रोड में आएंगे ना पंडाल के, तो उन्हीं के बगल में आपको गुच्चुप वगैरह सेंटर है चाट वगैरह है यहाँ पे आप आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ भी ये देखिए जो है गर्ल्स के लिए चूड़ियाँ वगैरह भी है यहाँ पे, और कान नाक गले का सेट भी है, अधिकतर गर्ल्स के ही ज़्यादातर आपको सामान देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए झूला है बच्चों लोग के लिए गाड़ी वाला है, इधर अपन चलते हैं झूला वाले एरिया में और आप लोगों को जो है दिखलाते हैं, ये देखिए खाने की पीने की चीज़ें इस तरफ आपको मिल जाएंगे, ये देखो मस्त सुंदर से यहाँ पे बांसुरियाँ वगैरह भी अगर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, बच्चों के लिए खिलौने इस साइड में, ये देखो अभी बहुत सारे जो झूले हैं ना वो बंद है,
अभी पब्लिक नहीं है ऐसा करके भी बंद करके रखे हुए हैं। जैसे जैसे पब्लिक आएंगे उस हिसाब से इसको चालू किया जाएगा। ये देखो, और यहाँ पे 50 रुपये टिकट है, ये वाला ब्रेक डांस वाला है। इधर है बच्चों लोग के लिए, ये देखो गाड़ी वाला टिकट मात्र 30 रुपये में, बढ़िया मस्त झूल सकते हैं बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं, इधर जो है ड्रैगन वाला चालू है। इस तरफ ये देखिए मस्त सुंदर सा, यहाँ पे खेल वाला है, पैसा फंसाने वाला। और ये देखो ये है ड्रैगन वाला झूला, दिखलाते हैं आप लोगों को। ये देखो भाई ड्रैगन अभी जो है चल रहा है, हवाई झूला जो है आगे में है उसको भी आप लोगों को जो है दिखलाते हैं। और इस साइड में देखिए कांच का कंगन वगैरह भी है इस साइड में। ये देखो, ये देखिए मस्त, खाना वगैरह चाहते हैं तो आप खा सकते हैं खेल वगैरह। ये देखें बूटी के बाल बोलते हैं इसी को। ये देखो भाई बस छुक छुक रेलगाड़ी बच्चे वाले आप लोग देख सकते हैं। और ये है हवाई झूला भाई। गाइस तो यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल कम है, क्योंकि अभी पहला दिन जब स्टार्ट हुआ था तो उसी दिन बस पानी निकला, लेकिन सेकंड दिन और थर्ड दिन यहाँ पे जो है पानी जो है गिर रहा है, इसलिए पब्लिक जो है कम यहाँ पे आए हुए हैं। और आप लोगों को जो है यहाँ पे बाल हनुमान लीला का जो है झांकी मैं आप लोगों को दिखलाया, कैसा लगा कमेंट करिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो।